बता दो स्कोर कितना गया, हो गया। हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूँ। 12 मार्च 2022 यूनि वाली शिफ्ट की एग्जाम हो चुकी है मध्य प्रदेश संविधान शिक्षक की और MPTET स्प्रिंट आ रहे हैं। बार उधर दिखा दो थोड़ा सा, आ रहे हैं MPTET स्प्रिंट और कितना हाईएस्ट आज का स्कोर रहा है और जान लेते हैं। मैम कितना स्कोर किया आपने, कितना? 81। आपने कितना किया? 83। कौन सी कैटेगरी आपकी? सेकंड। कैसा पेपर था आज का? ठीक था। थैंक यू मैम। सर आपका कितना? 74। भैया आपने कितना स्कोर किया, कितना स्कोर किया आपने? 112। हाईस्ट। एक मिनट उतर के रिव्यू दे दो, आ रहा आ जाओ। सर आप आगे बाइक ले लो थोड़ा सा, आ जाओ मैम। क्या नाम शुभ नाम आप? कौशल्या कुमारी शर्मा। कहाँ से हो आप? मैं चित्तौड़ जिले से। राजस्थान से हो, मतलब फिर से राजस्थान टॉप आज। एक मिनट आराम से पूछो, CDP कैसे पूछेगी? चाइल्डहुड में पेडागोजी अच्छी लगी। पेडागोजी से पेडागोजी अच्छी थी। क्या क्या पूछा गया उसमें? पेडालोजी में क्वेश्चन पीछे गए थे। और हिंदी कैसी थी? हिंदी तो बहुत अच्छी थी। और क्या क्या अध्यांश के क्वेश्चन थे, उपसर्ग ये प्रत्यय वगैरह थे। और ये इंग्लिश था कि संस्कृत था? मेरे तो संस्कृत थी। अच्छा संस्कृत था। संस्कृत में क्या क्या पूछा गया व्याकरण में? संस्कृत में प्रत्यय पूछे थे और कृतवाच्य और ये सब पूछे गए थे। और क्या पूछा गया संस्कृत का? फर्स्ट दिन पेपर है इसलिए आप बता दीजिए एक्सप्लेन करके। नहीं संस्कृत का बहुत अच्छा था। क्या क्या पूछा गया ये बता दीजिए आप, 112 नंबर है आपके तो बता दीजिए संस्कृत में तो अच्छे से बता दें। EVS कैसा पूछा गया? EVS कैसा पूछा गया? ठीक है थैंक यू। धीरे दिखा दो मैम कितना स्कोर किया आपने, नंबर कितना है मैम? आपने कितना स्कोर किया भैया, कितना स्कोर किया? नहीं था पेपर भैया, पेपर था आपका कौन था? कितना स्कोर किया आपने? सर मेरा 88 रहा। 88। हाँ बहुत अच्छा रहा। कैटेगरी OBC है। OBC कैसा था पेपर था? बहुत अच्छा था पेपर तो, और लेवल भी अच्छा था। अच्छा धन्यवाद सर। ये बाइक किसकी बाइक हटा लो आप और पूछ लेते हैं। सर पेपर था, पेपर था मैम, पेपर था मैम। कितना स्कोर किया? 77। कैसा था पेपर आज का? अच्छा। संस्कृत कैसी पूछी गई आज? ठीक ही थी। क्या क्या पूछा गया संस्कृत में? ये संधि विच्छेद वगैरह। अच्छा ठीक है थैंक यू। पेपर था भैया कितना मैम? मैम कितना स्कोर किया? मैम कितना स्कोर किया? अच्छा गया। 63 नंबर। अच्छा बता सकते हो संस्कृत कैसी पूछी गई आज? संस्कृत फर्स्ट बार बहुत टफ थी। क्या क्या पूछा गया संस्कृत में ये बता दीजिए आप? संस्कृत में क्या क्या पूछा? स्वर संधि। हाँ संधि व्यंजन वगैरह और इनके कुछ अनुवाद ऐसे पूछे गए थे। वचन वगैरह के बारे में पूछा गया? हाँ पूछे गए। और इसमें पेडागोजी कैसी पूछी गई? अच्छी पूछी गई। और मैथमेटिक्स कैसी थी? मैथमेटिक्स इजी थी। वो CDP कैसी थी? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वो भी सही था लगभग। मैं और लेकिन वो 63 नंबर। EVS कैसा पूछा गया? थोड़ा टफ था। अच्छा टफ था। क्या क्या पूछा गया? जैसे ऐसे सन बताना था कि कब हुआ कहाँ हुआ ऐसा। ठीक है थैंक यू मैम, अच्छे से बताया आपने। कौन सा यूट्यूब चैनल? रनिंग फिटनेस क्लब सर। मैम कितना स्कोर किया आपने? 72। कौन सी कैटेगरी आपकी? कैटेगरी क्या कैटेगरी बता सकते हो? संस्कृत में क्या पूछा गया? संधि विच्छेद आए थे। अच्छा संधि। ठीक है सर। मैम कितना स्कोर किया आपने, स्कोर कितना किया आपने? कितना किया? 101। इधर आइए। वेरी गुड। क्या नाम सुनना आपका? गोविंद कुमार। आप कहाँ से? आप बिलवाड़ा राजस्थान। राजस्थान से? मतलब राजस्थान के टॉपर मिल रहे हैं मेरे को आज है। बताइए आप CDP कैसे पूछी गई? जी सर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार पूछी गई ये बताइए आप। नहीं बढ़िया थी, लेवल मीडियम था। भैया 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 थोड़ा सा आराम से। मीडियम लेवल था सर। मीडियम पूछा गया। और संस्कृत भी बढ़िया थी, सब मीडियम था। अच्छा मीडियम था। संस्कृत में क्या क्या पूछा गया? कितना स्कोर किया? 68। अच्छा और क्या क्या पूछा गया? सर हिंदी भी मीडियम थी, लगभग महीने दो महीने की तैयारी हो तो आराम से क्लियर कर सकते। नहीं संस्कृत कैसे पूछी? संस्कृत बता। संस्कृत लगभग पूरा था, सिलेबस पूरा कवर कर रखा था, बढ़िया क्वेश्चन ऐसा कुछ ऊट पटांग कुछ। EVS कैसा पूछेगा? EVS EVS भी बढ़िया मीडियम था। सर आपके कितना स्कोर? 99 स्कोर। 99। कौन सी कैटेगरी आपकी? जनरल। कहाँ से आप? राजस्थान से। फिर राजस्थान से आप, मतलब राजस्थान के। बता सकते हो संस्कृत कैसे पूछी? संस्कृत हिंदी और साइकोलॉजी सरल थी, बाकी गणित और पर्यावरण में कठिन थी। संस्कृत बता दो, आज संस्कृत का फर्स्ट डे पेपर है तो संस्कृत को एक्सप्लेन करके बता दो आपके इस प्रकार से। संस्कृत में गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे गए, गद्यांश सरल था। और बिल्कुल इसमें प्रत्यय और क्या नाम से संधि इनके प्रश्न पूछे गए। और मैथ्स कैसे पूछे थे? मैथ्स थोड़ी मेरे को टफ लगी, बाकी इतनी टफ भी नहीं थी, बाकी मीडियम थी। थैंक यू सर। आपका कितना स्कोर? 115। 115 कहाँ से?
भैया राजस्थान आज क्या क्या खा गया, कौन सी जड़ी बूटी खा गया राजस्थान वाले? पर्यावरण थोड़ी टफ थी बाकी सब। अच्छा पर्यावरण, अब बताइए आपसे सीडीपी कैसी पूछी गई? सीडीपी तो इजी थी। क्या क्या पूछा गया सीडीपी में? सीडीपी में कोलबर्ग से था। चलो वो कोई सिलेबस हुआ सीडीपी में, संस्कृत बताओ, संस्कृत किस प्रकार का पूछा गया? संस्कृत सिलेबस के अनुसार ही थी। अच्छा सिलेबस के अनुसार क्या क्या पूछा संस्कृत में? प्रत्यय थे, संधि थे, बिल्कुल सही, समास भी थे बराबर, और गद्यांश थे प्रश्न, और तो ध्यान नहीं शायद। अच्छा और याद नहीं है आपको? हाँ। और ईवीएस कैसा पूछा गया? ईवीएस में सन ज्यादा थे। अच्छा सन ज्यादा थे, और सन में क्या क्या पूछा गया? सन में जैसे कि वनस्पति के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान उनके बारे में ज्यादा थे, और था दैनिक पर्यावरण के बारे में, जनरल साइंस के एक दो क्वेश्चन थे सही, और बस, और तो पता नहीं, मैथ नॉर्मल थी। मैथ में क्या क्या पूछा गया? मैथ में जोड़ बाकी ये कोई नया सिलेबस चेंज हुआ आज? आपने लाइव व्यू देखा होगा अपना, तो सिलेबस चेंज हुआ? ईवीएस में थोड़ा बदलाव था। अच्छा बदलाव था। तो आप बच्चों को किस प्रकार मोटिवेशन के लिए बोल सकते हो? दो लाइन बोलिए आप, आपके 115 नंबर आज। हां अभी जो भी कर रहे तैयारी वो सन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सन पे ज्यादा फोकस कर, और तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। दो घंटे ढाई घंटे में सारे पेपर कितने समय में कर लिया था? मेरे 2 घंटे और 15 मिनट में हो गया। 15 मिनट मतलब 15 मिनट और बच गया था आपके। हाँ 15 मिनट। और मिक्सिंग क्वेश्चन आ रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं? मिक्सिंग आ रहे हैं। मिक्सिंग आ रैंडमली उठा के कोई सब दे रहा है ना, उससे भी प्रॉब्लम होती है रैंडमली से भी थोड़ा बहुत। रैंडमली प्रॉब्लम आती है वो तो पता है यार, बिल्कुल समय। आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा? मैथ तो अच्छा लगा। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा। बिल्कुल सर, आपने कितना स्कोर? आपने कितना? 91 स्कोर रहा मेरा सर। कौन सी कैटेगरी? एक मिनट सर, मेरा खड़ा हो जाइए आराम से। आप ओबीसी कैटेगरी से हूँ, बिलोंग करता हूँ मैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ सर। हाँ यस सर। कहाँ से आप? मैं लासूर से, लासूर धाम या लासूर धाम नीमच जिले से। नीमच जिले से। संस्कृत कैसी पूछी? संस्कृत तो इजी थी, गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन थे उसमें। हाँ उससे ज्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा उससे ज्यादा। हाँ और मैथमेटिक्स से वगैरह? मैथमेटिक्स बिल्कुल इजी, एलजेब्रा पूछा था उसमें, एक्सचेंज वाले प्लस माइनस एक्सचेंज क्वेश्चन थे, बिल्कुल बच्चों जैसे क्वेश्चन थे। सर पेपर था आपका? आपकी बात कर रहा हूँ, पेपर था मैम, पेपर था आपका? नहीं था। क्वेश्चन बहुत लेवल बहुत डाउन था मैथ्स के क्वेश्चन का, तो बहुत इजी, कहने का मतलब 15 से 20 मिनट में सारे सोल्व आउट कर सकते थे क्वेश्चन का। और मैं इंग्लिश कैसी थी? इंग्लिश तो था नहीं इसमें, इंग्लिश नहीं था, इंग्लिश नहीं था मेरा, इंग्लिश नहीं था मेरा, संस्कृत था, इंग्लिश ने ऑप्शन आया, संस्कृत था। संस्कृत में व्याकरण से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन था इसमें। हां तो पेपर में संस्कृत? हां संस्कृत। ठीक है सर, कितना स्कोर किया आपने? 82। कौन सी कैटेगरी आपकी? एससी। एससी आप बता सकते हो? चाइल्ड सीडीपी कैसी पूछेगी सर? ये तो बहुत ज्यादा टफ थी। और संस्कृत कैसी पूछेगी? संस्कृत तो इजी थी। क्या क्या पूछा है संस्कृत में? संस्कृत में ये गद्यांश थे वो। अच्छा हुआ, थैंक यू सर। ठीक सर, आपने आपका स्कोर मैम कितना स्कोर किया आपने? हाँ सर आप आ जाइए, आप आ जाइए सर, कितना स्कोर किया सर आपने? 104। कहाँ से आप सर? नीमच से। अच्छा नीमच से हो, और वहाँ तो मिले हैं एम पी से, मिले हैं नीमच जिले से 104 नंबर। क्या नाम सुनना आपका? पंकज अहिर। पंकज अहिर, कैटेगरी आपकी? ओबीसी। बता सकते हो संस्कृत में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए? संस्कृत बहुत अच्छी थी, गद्य पद्य अच्छा आया था, पर उसमें शिक्षण विद्या बहुत टफ थी, मतलब समझ में नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा था उसमें। जी सर। और ईवीएस भी हाई लेवल तो नहीं था, ठीक था, और बाल विकास बहुत टफ था। बाल विकास बहुत था। मैथ्स बहुत अच्छी थी। और हिंदी कैसे पूछेगी? हिंदी भी बहुत अच्छी है, समझ में आने जैसी है। थैंक यू भैया, थैंक यू। अच्छे से है ना? 104। और सर आपका कितना स्कोर? कितना स्कोर है? 110। कहाँ से हो? मंदसौर। मंदसौर से मतलब? अरे वाह यार, मंदसौर से एमपीसी मिल रहे हैं मेरे को टॉपर भी। क्या नाम सुनना आपका? पुष्कर यादव। कहाँ से आपने, कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। ओबीसी है ना? तो सीडीपी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? नहीं इसके अंदर था, मतलब टोटल सरल ही थी, गणित बहुत सरल थी, और संस्कृत भी ठीक थी। ठीक थी। हाँ हिंदी अच्छी थी। अच्छा हिंदी अच्छी थी। और अंतरिक्ष सवाल थे। हाँ। खेल कूद से 2 सवाल थे। हाँ बिल्कुल सही। ये था। और अच्छा उससे बात करते हैं हम, इससे संस्कृत में क्या क्या पूछा गया आज? फर्स्ट पेपर में पैराग्राफ थे, और वो संधि था, और लकार के बारे में पूछा था। हाँ। और एक दो थे ना, क्या सो है, क्या क्या था? इनको बोलते हैं यार, वो लट लकार में आते ना, उसके दो संबंधित दूसरे सवाल थे। अच्छा अच्छा ठीक है सर। और बच्चों से किस प्रकार की तैयारी करने के लिए बोल सकते हो? एमपी वाले बच्चे किस प्रकार मोटिवेशन के लिए कोई 2 लाइन बोल दो आप, किस प्रकार से तैयारी? उसमें क्या बोलो, जो तैयारी चल रही है वो ठीक है उनकी तो। अच्छा जो है ठीक है सर, थैंक यू सर, अच्छे नंबर सर। और किसी का पेपर आपका? सर आपका कितना स्कोर? हाँ सर कितना स्कोर? 114। और किसी का था पेपर? और भैया पेपर था एक, आप रुकना है ना, आयो मैम। पेपर था आपका? पेपर था सर? नहीं पेपर था सर। कितना स्कोर किया आपने? कितना स्कोर किया आपने? 112 है। क्या कैटेगरी आपकी? एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी ब्रदर स्टेट है सर। अच्छा राजस्थान से? राजस्थान। थोड़ा उतर के लाइव व्यू दे सकते हो आप? हाँ इधर आ जाइए। बता सकते हो सीडीपी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? इसमें थोड़े मतलब कि साइकोलॉजी में थोड़े टफ थे। हाँ और
बाकी तो सब इजी थे। अच्छा इजी थे, थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सतीश, इधर आ जाओ आप। और क्या संस्कृत ऐसी पूछी कि संस्कृत में बहुत इजी क्वेश्चन थे। क्या क्या पूछा गया संस्कृत? संस्कृत में जैसे कि मतलब कि उसमें गद्यांश पद्यांश में से क्वेश्चन आंसर थे तो सारे इजी थे, ज़्यादा टप नहीं थे। प्रति उपसर्ग और व्याकरण थी तो उसमें भी इजी थी कि नहीं मतलब। अच्छा आज पेपर संस्कृत का, तो किस प्रकार बच्चों को बोल सकते हो संस्कृत में कैसे क्या तैयारी करें? आज फर्स्ट डे है संस्कृत का। संस्कृत में कहने का मतलब जैसे कि इसमें मतलब कि व्याकरण के जो मुख्य रहते हैं कहने का मतलब जैसे कि उपसर्ग है, प्रत्यय है, उसके अलावा जैसे कि मतलब ये व्याकरण में पेपर था नाम। कितना स्कोर किया आपने? 85। कौन सी कैटेगरी आपकी? जनरल। सी डी पी किससे पूछेगी? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। किससे पूछेगी मतलब? सीडीपी कैसा था पेपर? सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किससे पूछेगी? इजी था। इजी था। हाँ। और ये पर्यावरण किससे पूछेगी? पर्यावरण भी ठीक था, कॉमन। मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स टफ थी। टफ थी। हाँ। और आपने संस्कृत की बात का, संस्कृत में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगी? संस्कृत में जनरल क्वेश्चन थे, बेसिक मतलब उस पे ग्रामर के क्वेश्चन ज्यादा थे। ग्रामर के क्या क्या, ग्रामर में क्या क्या पूछा गया? ग्रामर में अव्यव, प्रत्यय, संधि ये पूछे गए थे। और हिंदी कैसे पूछेगी? हिंदी ठीक थी, उसमें मतलब संधि और अलंकार ज़्यादा पूछे गए थे। और बच्चों को संस्कृत में किस प्रकार की तैयारी करने के लिए बोल सकते हो आज फर्स्ट डे संस्कृत का? तो मेरा तो ये मैसेज है व्याकरण ज़्यादा पढ़े। अच्छा व्याकरण ज़्यादा। व्याकरण में जो गद्यांश पद्यांश पे भी जो क्वेश्चन थे वो व्याकरण में ज़्यादा बेस्ट थे। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू मैम, अच्छे से रिव्यू दिया। और सर बताइए आपका। मैं भी यही कहना चाहूँगा सर कि जैसे कि मतलब संस्कृत में है तो व्याकरण पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि अभी जो आज का पेपर हुआ उसमें अधिकतर मतलब कि व्याकरण का सिलेबस ही था कहने का मतलब। हाँ जितना भी व्याकरण का मतलब कि जिसके मतलब कि व्याकरण कम्प्लीट है वो मतलब कि संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं कहने। ठीक है सर, थैंक यू सर, अच्छे से आपने जवाब दिया। और एक दो पूछ लेते हैं। हाँ पेपर था सर, मैम पेपर था। आइए 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 आइए। रनिंग फिटनेस क्लब यूट्यूब पर चैनल है, रनिंग फिटनेस क्लब नीमच। हाँ अभी लाइव आएगा। मैम पेपर था आपका? अभी अभी आ जाएगा, आप देखते रहना। रनिंग फिटनेस क्लब नीमच। मैम कितने नंबर आए आपने? 82। कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। बता सकते हो चाइल्ड हुड में कहाँ से वापस आप? मैं यहाँ से एमपी सिंगोली से हूँ। अच्छा सिंगोली से हो। हाँ सी डी पी कैसी पूछी? चाइल्ड हुड पेडागोजी। बस संस्कृत, हिंदी और मैथ्स अच्छी थी, बाकी कुछ समझ में नहीं आया उसमें। और संस्कृत में क्या क्या पूछा गया? संस्कृत में पैराग्राफ्स थे, उनको पढ़ के आंसर देने। अच्छा पढ़ के आंसर देखना थे। और क्या क्या संस्कृत में एक्सप्लेन कर, अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दो। आप पढ़ाते हो इस स्कूल में? नहीं सर, मैं मैथ्स की टीचर हूं। अच्छा मैथ्स का, तो मैथ्स में बता दो आप, मैथ्स में क्या क्या पूछा गया? मैथ्स में तो बहुत अच्छा पूछा गया। मैथ्स में तो मतलब अनुपात वगैरह ज्यादा पूछे थे उन्होंने, बाकी इतना कुछ कठिन नहीं था, जैसे नॉर्मल मैथ्स थी बस। नहीं मैथ्स में और रेखागणित से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? नहीं मतलब उसमें रेखागणित से कम थे थोड़े। और ईवीएस कैसा पूछा गया? ईवीएस थोड़ा टफ था। ईवीएस में क्या क्या पूछा गया? कोई क्वेश्चन याद आ रहा आपको? क्वेश्चन वगैरह सैटेलाइट वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया? नहीं उससे अभी इसमें तो नहीं पूछे थे सैटेलाइट वगैरह पे, बाकी के क्वेश्चन कुछ समझ नहीं। खेल विभाग से कोई क्वेश्चन भी गया? खेल से बहुत कम थे, बहुत कम थे। और वन से कोई क्वेश्चन पूछा गया? पर्यावरण से? पर्यावरण से एक दो थे, उसके ज्यादा नहीं थे। बाकी क्वेश्चन कहाँ से? वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, इनसे कोई क्वेश्चन बना? नहीं। जल प्रदूषण वगैरह इनसे कोई क्वेश्चन बना? कोई क्वेश्चन नहीं। और हिंदी कैसी पूछेगी? हिंदी अच्छी थी। हिंदी में क्या क्या पूछा? हिंदी में पैराग्राफ्स थे और कवियों के नाम वगैरह थे और पर्यावरण से भी क्वेश्चन थे। बिल्कुल। आप बच्चों से किस प्रकार तैयारी करने के लिए बोल सकते हो अभी संस्कृत में? अभी हाँ संस्कृत में थोड़ी तैयारी करेंगे तो संस्कृत बहुत अच्छी जाएगी। संस्कृत अच्छी है और मैथ्स भी अच्छी हो जाएगी और हिंदी भी अच्छी है। बाकी वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे वेस वगैरह के वो कुछ पता नहीं चल रहा है। आपके लिए हाईएस्ट कितना था? उसका इतना अनुमान नहीं है मुझे। ठीक है मैम, थैंक यू, अच्छे से आपने रिव्यू दिया। और सर किसी का पेपर था? थोड़ा सा आ जाइए बाहर आइए, एक मिनट आइए, आ जाओ। अरे हाँ थोड़ा सा आ जाओ। पेपर था भैया? पेपर था? कितना स्कोर किया आपने? 103? 120। ठीक है। हाँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से हम जरूर शेयर किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।